दोस्तों टेक टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं वरुण। दोस्तों इस ब्लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूं वीवो के तीन ऐसे स्मार्टफोन्स जो 20,000 रुपये से कम कीमत पर अवेलेबल हैं और इस रेंज के ये सबसे अच्छे स्मार्टफोन हैं। यानी अगर आप वीवो के स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं और आपका बजट 20,000 रुपये तक का है तो ये ब्लॉग आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस ब्लॉग में मैं वीवो के तीन सबसे अच्छे स्मार्टफोन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो 20,000 तक की कीमत पर उपलब्ध हैं। एक बात और दोस्तों कि जो मैंने स्मार्टफोन सेलेक्ट किया है वीवो का, वो या तो इस साल लॉन्च हुए हैं यानी 2020 में या फिर 2019 में लॉन्च हुए हैं। इससे पहले के स्मार्टफोन मैंने सेलेक्ट नहीं किए हैं, जबकि ये स्मार्टफोन्स जो हैं पुराने स्मार्टफोन वो अभी भी फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर अवेलेबल हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से हो रही है, तो पुराने हार्डवेयर को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो हमें परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, कैमरा क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, साथ ही बैटरी लाइफ सभी पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ज़रूरी है कि हम नए हार्डवेयर सेलेक्ट करें और इन नए हार्डवेयर में हमें परफॉर्मेंस भी मिलने वाली है, कैमरा क्वालिटी भी मिलने वाली है और बैटरी जो है वो भी अच्छी रन करेगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को और देखते हैं तीन वो कौन से स्मार्टफोन हैं वीवो के जो 20,000 तक के बजट में अवेलेबल हों और इस रेंज के ये सबसे अच्छे स्मार्टफोन हैं। तो दोस्तों इस रेंज में वीवो का तीसरा सबसे अच्छा जो स्मार्टफोन है वो है वीवो V15 Pro। वीवो V15 Pro आता है कुछ इन स्पेसिफिकेशंस के साथ। डिस्प्ले इसका जो है वो है 6.39 इंचेस का और सुपर एमोलेड डिस्प्ले है ये। प्रोसेसर जो इसमें लगा हुआ है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675। दो मेमोरी वेरिएंट में ये स्मार्टफोन अवेलेबल है। पहला है 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, दूसरा 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज। दोस्तों इसका जो रियर कैमरा है वो एक ट्रिपल रियर कैमरा है, जिसमें प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का है, फ्रंट कैमरा इसका 32 मेगापिक्सल का है। तो दोस्तों ये जो फ्रंट कैमरा है वीवो V15 Pro का वो 32 मेगापिक्सल का है और साथ ही ये एक पॉपअप कैमरा भी है। इसमें जो बैटरी लगी हुई है दोस्तों वो 3700 mAh की है, जो कि चार्ज होती है 18 वाट के फास्ट चार्जर के थ्रू। और साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें वीवो ने दिया है और ये तीसरा सबसे अच्छा स्मार्टफोन है 20,000 तक की रेंज का। यानी अगर आप स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं तो इस स्मार्टफोन को भी कंसीडर कर सकते हैं अगर आपका बजट 20,000 तक का है और वीवो के स्मार्टफोन ही आप लेने जा रहे हैं। तब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा वीवो का इस रेंज का सबसे अच्छा स्मार्टफोन कौन सा है। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर है वीवो का वीवो S1 Pro। दोस्तों वीवो S1 Pro आता है कुछ इन स्पेसिफिकेशंस के साथ। इसका जो डिस्प्ले है दोस्तों वो 6.38 इंचेस का है और साथ ही ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। दोस्तों इसका जो प्रोसेसर है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665। सिंगल मेमोरी वेरिएंट में ये अवेलेबल है और ये है 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज। जो रियर कैमरा है इसका वो एक क्वाड रियर कैमरा है और इसका प्राइमरी सेंसर, इस रियर कैमरे का प्राइमरी सेंसर जो है वो 48 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा दोस्तों इसका 32 मेगापिक्सल का है। दोस्तों इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो 4500 mAh की है, जो कि चार्ज होती है 18 वाट के फास्ट चार्जर के थ्रू। और इस स्मार्टफोन में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वीवो ने दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं पहले नंबर पे कौन सा स्मार्टफोन मौजूद है वीवो का जो कि इस बजट का सबसे अच्छा स्मार्टफोन है। तो दोस्तों पहले नंबर पे है वीवो Z1X। वीवो Z1X 20,000 तक की रेंज का वीवो का सबसे अच्छा स्मार्टफोन है। तो दोस्तों वीवो Z1X आता है कुछ इन स्पेसिफिकेशंस के साथ। वीवो Z1X का जो डिस्प्ले है वो 6.38 इंच का है और ये जो डिस्प्ले है ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। दोस्तों इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है, वीवो ने जो प्रोसेसर लगाया है वो स्नैपड्रैगन 712 है। साथ ही तीन मेमोरी वेरिएंट में ये स्मार्टफोन अवेलेबल है। पहला है 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज, दूसरा है 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज और तीसरा है 8GB रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज। दोस्तों फिलहाल जब मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ तो ये तीनों जो वेरिएंट हैं वीवो Z1X के, ये तीनों 20,000 रुपये तक के कीमत पर उपलब्ध हैं, आप इन्हें ले सकते हैं। दोस्तों इसमें जो रियर कैमरा है वो एक ट्रिपल रियर कैमरा है, जिसमें प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का है और जो फ्रंट कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का है। दोस्तों इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो 4500 mAh की है और ये चार्ज होती है 22 वाट के फास्ट चार्जर के।
यानी ये चार्जर जो है 22 वाट का, ये चार्ज कर देगा इस बैटरी को बहुत ही जल्दी। इसमें भी वीवो ने दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लगाया है। तो दोस्तों अगर आप वीवो के स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं और 20,000 तक का बजट है आपका, तो ये तीनों स्मार्टफोन में कोई भी स्मार्टफोन आप ले सकते हैं। तीनों सबसे अच्छे स्मार्टफोन हैं वीवो के इस बजट के। और अगर आप कंपेयर करेंगे इन तीनों को, तो सबसे अच्छा स्मार्टफोन वीवो का इस बजट का वीवो Z1X है। तो दोस्तों इस ब्लॉग में बस इतना ही। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।